तो जय हिंद, नमस्कार भाई लोग। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, क्योंकि अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रिसेंटली में, जिसका मैं अभी तीसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, वो स्टार मोनेटाइजेशन। तो फर्स्ट वीडियो में ना आपको बताया था कि कैसे आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है। सेकेंड वीडियो जो मैंने बनाया वो है कैसे आप पेमेंट बैंक कैसे ऐड करें, अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करें स्टार मोनेटाइजेशन के लिए, जिसमें आपकी सारी अर्निंग ऐड हो और दिन डे बाय डे जितनी अर्निंग आए आपकी बैंक अकाउंट में ऐड हो जाए। और उसका क्या क्राइटेरिया है, कितने पे आपको पेमेंट मिल जाएगा, कितने में रिसीव होगा, ये भी आपको मैं बता दूंगा, बताया हूँ दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो थर्ड वीडियो ये है कि उसमें जैसे आप बैंक अकाउंट अपना ऐड करते हो, उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर वहीं से अगर आप बैक भी हो जाते हो कोई आपको दिक्कत है नहीं, बट टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना बहुत ही मस्त है, वरना आपका हो सकता है कि जो आपका पेमेंट अकाउंट है वो डिसेबल हो जाए, क्योंकि आप अधूरा पेमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हो भी नहीं सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपका डिसेबल भी हो सकता है, नहीं डिसेबल हो सकता है, बट हमें रिस्क नहीं लेना, इसलिए हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा करना बहुत ही मस्त है, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा करने से यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पे कैसे कि अपने मन से वो अपना ब्याज काट लेते हैं, ठीक है, अपने कुछ परसेंटेज काट लेते हैं, 10% से 15 से 25% से 3% होता है। बट अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन आप जैसे यहाँ पे सबमिट करते हो, वहाँ पे ऑप्शन रहता है 0% का, तो अगर वहाँ से आप ऑप्शनल पे चूज करके करते हैं तो आपका यहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यही टॉपिक है। तो थर्ड वीडियो अगर आपने फर्स्ट सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, और इसको भी एकदम क्लियर से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बने रहिए, विदाउट स्टेप वीडियो देखिए। तो भाई लोग, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम यहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन वेरीफाई करने वाले, तो सबसे पहले गेट चार्ज पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका आईडी ऑलरेडी लॉगिन बताएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना, वरना आप ईमेल अपना कोड डाल के सेम टू सेम अकाउंट को क्या करना है, लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंडिविजुअल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, उसके बाद यहाँ लिखा है आर यू आर यूएस सिटीजन यूएस परमानेंट, तो बोल देना यस, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है, नो कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पे यूएस से बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपको यहाँ पे इस पर क्या करना है, नो कर देना है। उसके बाद लिखा है यू आर एक्टिंग द इमिल इंटरमीडिएटली एजेंट, मतलब कि यहाँ पे आप क्या एजेंट हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है, यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आएगा अपनी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी आपका रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया को चूज़ कर लेना है। किसको चूज़ कर लेना, अगर आप जिस कंट्री से, आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान कर लेना, वरना आप इंडिया कर लेना चूज़, ठीक है, इतना कर लेना। यहाँ पे इंडिया हमें दिख चुका है, इंडिया पे हम क्लिक कर देते हैं और आपका टिन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आई हैव आपके पास टिन नंबर है कोई यूएस का तो आप डाल सकते हो, वरना यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, आप इसको कर सकते हो। अगर चेकबॉक्स करोगे तो आपको यहाँ पे टिन नंबर डालना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, एड्रेस डालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया हूँ ऑलरेडी, आपका यहाँ पे सिलेक्ट होकर आएगा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद एडिटिंग योर मेलिंग एड्रेस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आता है लोकेशन वेयर सर्विस योर विल द फिजिकली परफॉर्म, आपको 0% सर्विस फिजिकली परफॉर्म कर देना है, ठीक है, परफॉर्मेंस इनसाइड। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पर चेकबॉक्स आएगा, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर आएगा, तो चेकबॉक्स पर आपको सबसे पहले आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, क्लिक करने बाद आपको अपना सिग्नेचर, अगर आपका पूरा नाम आप लिख दें, जैसे मेरा आयुष पांडे है, मैं पूरा अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इतना कर लेना। उसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी आज का डेट टुडे का डेट रहेगा, जिस दिन आप यहाँ पे वेरिफिकेशन रहोगे उसका डेट दिखाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं रिव्यू और सबमिट, तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे हमारे रिव्यू हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई चेंज करना है तो मेक चेंज पे जाकर चेंज कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे आपको देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स प्रोफाइल आपको आ जाएगा, अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे खोलकर अपडेट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ऐड योर टैक्स वाला इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका टैक्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कमेंट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग की बताऊँगा कितने पैसे मिलते हैं।